आपका क्वेश्चन है, दिस इज शीला विजिटेड अ स्टोर एंड फाउंड दैट ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन स्पेसिफिक पैटर्न। ऑन द टॉप लेयर देयर आर थ्री जार्स, इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर सिक्स जार, इन द थर्ड लेयर देयर आर नाइन जार्स एंड सो ऑन टिल एट लेयर्स। नाउ तो यहां पर आपके क्वेश्चन है, जो इसने यहां पर आपको जो कुछ दिया है उसको हम लिखते हैं। तो देखो इसने क्या बोला है कि एक के ऊपर एक लेयर है, तो टॉप मोस्ट लेयर है उसके अंदर कितने जार है? थ्री। तो दैट मीन्स ए वन इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू थ्री। तो फर्स्ट वाले लेयर में थ्री है, थ्री जार्स। सेकेंड में देखो कितना बोला है उसने, सेकेंड में बोला है सिक्स जार्स, तो सिक्स लिखेंगे। एंड ए थ्री के अंदर कितने हैं? नाइन। लेकिन इसने यहां पर बोला है एंड सो ऑन टिल एट लेयर्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेयर्स इज एट। तो वी कैन से एन इज इक्वल टू एट, ठीक है? तो ये हमको यहां से इंफॉर्मेशन मिला। अब आपके क्वेश्चन देखो कैसे हैं। इज इट फर्स्ट इज राइट एन एपी हूज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो एपी लिखो, एपी हम नहीं लिख सकते विदाउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो ये है सिक्स माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू थ्री। तो कॉमन डिफरेंस इज थ्री। अब हम लिखते हैं एपी। तो एपी देखो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज थ्री, फिर सिक्स है, फिर नाइन है, एंड सो ऑन अप टू द एट्थ टर्म। एट्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस सेवन डी, है ना? ए एट हमारा क्या होता है, ए प्लस सेवन डी। और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन इज एट, तो ये हो गया ए प्लस एट माइनस वन इज सेवन बी। तो ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या आ रहा है, ए इज थ्री प्लस सेवन इंटू थ्री, है ना, डी इज ऑल्सो थ्री। तो ये हो गया थ्री प्लस 21, दैट इज इक्वल टू 24। तो आप जो एपी लिख रहे हैं लास्ट टर्म आपको यहां पर लिखना है 24, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं करना, 24 अगर नहीं लिखा तो आपका एपी नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि देयर आर एट लेयर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट फर्स्ट यहां से यहां तक है। सेकंड सेकंड इसने बोला है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड। दैट मीन्स आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला एन का। तो सेकेंड वन, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इसने दिया है 34, दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, आपका 34 है, इस साइड में लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू थ्री एन माइनस थ्री। इसको इस साइड में माइनस थ्री को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 31 प्लस थ्री,
इज अगेन 34. 34 इज इक्वल टू 3n. तो n आपका देखो कितना हो गया, 34 बाय 3. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 11, फिर 1 बच गया तो 1 बाय 3 है ना. और हम लिख सकते हैं इसको 11.333 एंड सो ऑन. लेकिन n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा है ना, पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से. तो ये आपका पहले तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, सेकंड आपका डेसिमल में नहीं होगा. देयरफॉर 34 डज नॉट एग्जिस्ट इन अ एपी. तो यहां पर लिखना है 34 डज नॉट एग्जिस्ट इन एपी. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड आपका दिया है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ रोस और रोस इन अ लेयर, देन द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ एन, हेंस फाइंड एस एट. तो आपको जो सम निकालना है वो एन के हिसाब से निकालना है. तो थर्ड वन, तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है. तो एस एन क्या हो जाएगा, देखो एन बाय टू टू ए, टू इंटू थ्री है ना, टू इंटू थ्री इज सिक्स. तो ये हो गया 6 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री. इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एन बाय टू, ये हो गया 6 प्लस थ्री एन माइनस थ्री. तो दिस इज इक्वल टू एन बाय टू, तो ये हो गया 3 प्लस थ्री एन है ना. तो यहां पर 3 इज कॉमन, तो 3 को बाहर निकाल दो. तो ये हो जाएगा आपका 3n by 2 और यहां पर हो जाएगा n plus 1 और 1 plus n, anything you can write, क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो 1 plus n और n plus 1 is same. तो ये आपका आंसर होगा थर्ड वाले का. लेकिन उसमें यहां पर बोला है वी हैव टू फाइंड इट आउट s8, s8 निकालना. तो इसी में हम लिखेंगे S8, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 8 बाई 2 है ना, n की जगह पे 8 डाल देंगे और यहां पर हो जाएगा 8 प्लस 1. तो अब इसको रिड्यूस कर दो 8 एंड 2 को, तो ये हो गया 4. तो अब आपका क्या आ गया 12 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 108. तो अगर आप इतना करेंगे यू विल गेट 2 मार्क्स और 1 एंड 2 इज फॉर 1 मार्क्स ओनली. ठीक है, यहां पर लिखा है बी. बी मतलब या तो ए करो या बी करो, बीच में आपका लिखा होगा यहां पर और. ठीक है, तो फोर्थ वाला भी हम देखते हैं क्या बोला इसने. फोर्थ, शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर. तो ए एन का फॉर्मूला डालना है इसमें है ना, फिफ्थ लेयर बोला है दैट मीन्स ए फाइव. तो वी कैन से ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 4d है ना. लेकिन इसने पहले बोला है कि शॉपकीपर ने क्या किया, 3 जार्स एवरी लेयर में एड किया. तो दैट मीन्स ए में आपका हो गया 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6. यहां पर भी 3, तो ये हो गया 9. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 9 माइनस 6 इज 3.
तो वी कैन से 9 - 6 = 3, तो कॉमन डिफरेंस इज 3 ओनली. इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो ए हमारा नया ए इज 6, तो ये हो गया 6 + 4 * 3 दैट इज इक्वल टू 6 + 12, तो ये आपका आंसर आएगा 18, तो ए 5 इज 18, ठीक है.